अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पढ़ने लिखने का अधिकार शूद्रों और स्त्रियों को दिलवाया, तो बाबा साहेब अंबेडकर जी को पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलवाया? उनके पिताजी को पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलवाया? अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी के वजह से स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले ये कैसे पढ़ पाई? फातिमा शेख कैसे पढ़ पाई? मुक्ता सावे कैसे पढ़ पाए? दोस्तों, अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो दोस्तों आपके इन सारे परेशानियों को खत्म करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो। साल था 1818 जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, जिसे हम द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से भी जानते हैं। इसी बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को इस देश के दलित, इस देश के बुद्धिस्ट, इस देश के माइनॉरिटी हिंदू इसे शौर्य दिवस के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मराठा का मतलब होता है पेशवा और एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। अब आपके दिमाग में और एक सवाल आया होगा, क्या पेशवा और मराठा एक ही होते हैं? तो दोस्तों, दरअसल मराठा साम्राज्य में पेशवा नाम की पोजीशन हुआ करती थी, पोस्ट हुआ करती थी, जो कि मिनिस्टर को कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपॉइंट किया गया पेशवा का नाम था मोरोपंत त्रिंबक पिंगड़े। दोस्तों, ये पोस्ट हुआ करती थी, जिसको आप इन जनरल प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो। अब आपके दिमाग में और एक सवाल आया होगा, क्या ये पेशवाओं की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हुई, क्या ये मराठा साम्राज्य के समय हुई? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बामनी सुल्तनत हमारे देश में आई थी, हमारे देश में कुछ प्रांत को उन्होंने कब्जा कर लिया था, तब सबसे पहले 14th century में ये जो मुस्लिम शासक थे, इन लोगों ने पेशवा ये पोस्ट दी थी। मराठा साम्राज्य प्रस्थापित होने से पहले भी ये पेशवा यहाँ पर थे। ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट दरअसल बामनी सुल्तनत ने दी थी, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। पर जो पेशवा समर्थक है वो इस बात का जिक्र करते नहीं है, वो इस इतिहास का जिक्र करते नहीं है कि पेशवा ये जो पोस्ट है, इसका इतिहास बामनी सुल्तनत से शुरू होता है, जो कि मराठा साम्राज्य तक भी ये कंटिन्यू होते रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पेशवाओं का रीनेम किया था, वहाँ पे उन्होंने पंत प्रधान, जबकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, तो छत्रपति महाराज ने ये जो पेशवा पोस्ट थी, इसका नामकरण किया था, पर यह ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी पेशवाओं को अपॉइंट किया था। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर। मराठा साम्राज्य का निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 18 पगड़ जातियों को एक किया और इस देश में मराठा साम्राज्य प्रस्थापित किया। पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता था पेशवा को, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने भी एक पेशवा को अपॉइंट किया, जिनका नाम था मोरोपंत त्रिंबक पिंगड़े। दोस्तों, अगर इतिहास की किताबें आप लोग पढ़ोगे तो आपको अष्टप्रधान के नाम से मोरोपंत त्रिंबक पिंगड़े ये जो नाम मिलेगा, यही एक पेशवा था। पेशवा की ही पोजिशन थी, जो कि ब्राह्मी सुल्तनत के समय से चल रही थी। तो इस प्रथा को मराठा साम्राज्य में भी कंटिन्यू किया गया था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसका नाम पंत प्रधान भी रखा था, पर यह ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह बनता है कि पेशवाई कैसे आई? तो दोस्तों, 1751 के बाद इस देश में, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मृत्यु के बाद, ये जो पेशवा थे, इन लोगों ने खुद की नियुक्ति खुद ही करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इन लोगों का राज बढ़ते गया, तो जो राजा होता था, महाराजा होता था, वो नाम मात्र रह गए, और जो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब ये जो मिनिस्टर लोग थे, इन्हीं का राज इस देश में आ गया। तो मराठा साम्राज्य एक तरह से पेशवाओं के हाथ में आ गया, और पेशवा मोस्ट ऑफ चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। आप अगर पेशवाओं का इतिहास देखोगे तो आपको जो भट्ट फैमिली है, भट्ट फैमिली से मतलब जो ब्राह्मण्स लोग हैं, वही लोग आपको पेशवा नजर आएंगे। तो मराठा साम्राज्य पर कब्जा हो गया पेशवाओं का, इन शॉर्ट ब्राह्मणों का। और जब ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, तो जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति को यहाँ पर लागू कर दिया, और मनुस्मृति में जो शूद्र थे, अति शूद्र थे, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गया। अब दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब मराठा साम्राज्य ब्राह्मणों के हाथ चला गया, पेशवाओं के हाथ चला गया, तो दोस्तों पेशवाई शुरू हो गई। और पेशवाई जब शुरू हो गई, तब जब भी लड़ाइयाँ होती थी, मतलब पेशवाई में महार सैनिक आज भी काम करते थे। क्यों काम करते थे? क्योंकि मराठा साम्राज्य के निर्माण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महारों को अपने सैन्य में भर्ती करवाया था, चंभारों को भर्ती करवाया था, मांग को भर्ती करवाया था, जो भी निचले जाति के लोग हैं उन सबको भर्ती करवा के मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था। पर जब पेशवाई यहाँ पर आ गई, तो पेशवाओं ने क्या किया, जब भी फाइट्स होती थी अंग्रेजों के साथ होती थी, या फिर
मुसलमान लोगों के साथ होती थी, तब ये जो महार लोग थे, इस महार जाति की जो छावनी है इसको अलग रखा जाता था कि आप हमसे दूर रहो, आप अछूत लोग हो, आप नीच लोग हो। तो इसलिए दोस्तों जो महार थे उनको इंसल्टिंग फील होने लगा कि हमने इस स्वराज्य को निर्माण के लिए हमने मेहनत की है और आज हमारे साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ लड़ाइयाँ पेशवाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ महारों ने लड़ी है, पर जब इन्होंने अन्याय अत्याचार बढ़ा दिया, इनको सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक जगह पर घूमने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदोच्चारण करने का अधिकार नहीं था, तो इतने सारे अन्याय अत्याचार जब इन पर बढ़ने लग गए तब इनको इंसल्टिंग फील होने लगा। और जब 1818 में द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा पर अभी मैं आ रहा हूँ, जब अंग्रेजों के और पेशवाओं के बीच में युद्ध हुआ या युद्ध होने जा रहा था, 1817 में इस युद्ध का शुरुआत हुई। तो इस युद्ध की जब शुरुआत हुई तब हमारे जो महार लोग थे उन्होंने पेशवाओं को कहा कि हम आपके साइड से लड़ेंगे, अंग्रेजों को हम लोग धूल चढ़ा देंगे, पर इसके बदले आप सिर्फ हमें मान सम्मान दीजिए। जो मान सम्मान हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के समय मिलता था वही मान सम्मान आप हमको आपके राज्य में दीजिए, पेशवाई में दीजिए। पर वो जो बाजीराव पेशवा सेकेंड वो था, उन्होंने कहा कि सुई के नोक के ऊपर जितनी जगह होती है उतना भी मान सम्मान हम आपको नहीं देंगे। तो और वहाँ पर इंसल्ट कर दिया। तब वहाँ पर डिसाइड किया हमारे महारों ने कि हम अंग्रेज़ों के साइड से लड़ेंगे। और दोस्तों हमारे महार अंग्रेज़ों के साइड से लड़े और पेशवाई को धूल चढ़ा दी। दोस्तों इस देश में मराठा राज था, पूरे देश में मराठा साम्राज्य था, तो मराठा साम्राज्य को नष्ट करने में इस देश में महार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस देश का धर्म जिम्मेदार है, इस देश के पेशवा जिम्मेदार है, इस देश के ब्राह्मण जिम्मेदार है। ये बात आपको समझनी चाहिए। दोस्तों ये जो भगवा कलर का ध्वज आप लोग देख रहे हो, ये एक ज़माने में मराठा साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था। इसे आगे हिंदुत्ववादी लोगों ने हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया, वीर सावरकर जी की वजह से ये हिंदुत्व का प्रतीक बना। पर दोस्तों आप लोग ये मत भूलिए कि वीर सावरकर भी एक मराठी थे, लोकमान्य टिळक वो भी एक मराठी थे, आगरकर भी एक मराठी थे, और मॉडर्न इंडिया का जिन्होंने संविधान लिखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो भी एक मराठी थे। इसलिए दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि दिल्ली चाही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, जबकि इस महाराष्ट्र इस मराठी अस्मिता को डुबा देने वाले लोग इस देश में पेशवाओं के नाम से जाने जाते हैं। और जो मराठा लोग हैं वो पेशवाओं की साइड लेके हमसे ही झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे जब हमको गांव से बाहर रखा गया था, जब हमको अच्छे कपड़े पहनने से मना कर दिया गया था, अच्छा खाना खाने से मना कर दिया गया था, जब हमको स्कूल में पढ़ाई करने से मना कर दिया गया था, उसके बाद हमने अगर विद्रोह किया तो हमने क्या गुनाह किया? जिस इंसान के फूड क्लोथ एंड शेल्टर इस पे ही आप लोग अगर कोई निशाना बना रहा है इस चीज़ को, तो उस इंसान ने क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जब मराठा साम्राज्य था उस समय तो सब अच्छा चल रहा था, पर जब पेशवाई आई उस समय सब बिखर चुका। और दोस्तों बाद में इन पेशवाओं को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे ओपन कर दिए, जॉब्स के दरवाजे ओपन कर दिए। हालांकि 1898 के बाद वो दरवाजे इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभाव में आके हमारे लिए बंद कर दिए, तो ब्राह्मणों ने तब भी हमारे साथ खुन्नस रखी कि इनके वजह से हमारा देश में अंग्रेज़ों का राज आया। पर दोस्तों हमारे वजह से अंग्रेज़ों का राज इस देश में नहीं आया, बल्कि पेशवाओं के वजह से इस देश में अंग्रेज़ों का राज आया, इस धर्म के वजह से इस देश में अंग्रेज़ों का राज आया। हमारे पहले भी मतलब हमने अंग्रेज़ों की मदद की, इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है। पर दोस्तों गद्दार कौन हो सकता है? क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करते थे पेशवाओं के साथ मिलकर, तब पेशवा अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भी युति करते थे। जब टीपू सुल्तान से परेशान हो गए थे पेशवा और अंग्रेज़ दोनों भी, तो अंग्रेज़ और पेशवाओं ने एक साथ हाथ मिलाकर टीपू सुल्तान से फाइट किए। तो दोस्तों गद्दार कौन था? ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश में अलग अलग मनुवादी विचारधारा को बोते गए, और जब इसका परिणाम वर्ष्ट हुआ तो उंगली करने लगे कि महारोपे कि इनके वजह से ये हुआ। अरे जिनको खाने पीने का अधिकार नकारा गया था, जिनको रहने का अच्छा रहने का एजुकेशन का राइट्स नकारा गया था, वो लोग क्या करते? तो दोस्तों इस बात को आपको समझना चाहिए। तो बाबा साहेब अंबेडकर जी क्यों पढ़ पाए, महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों पढ़ पाई, फातिमा शेख, मुक्ता साळवे ये सब क्यों पढ़ पाए? ये इसलिए पढ़ पाए क्योंकि इनके लिए 1818 में बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महारों ने
विजय प्राप्त करवा के दी थी अंग्रेजों के लिए, इसलिए ये लोग पढ़ पाए। पर जब 1898 के बाद ये सारे राइट्स हमारे अंग्रेजों ने भी बंद कर दिए, तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पुनर्संघर्ष किया और अंग्रेजों को ये याद दिलाया कि आपको इस देश में प्रस्थापित करने के लिए हमारे लोगों ने योगदान दिया था, उसके बावजूद ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर आप लोगों ने हमारा एजुकेशन बंद कर दिया, हमारे जो मानव अधिकार थे उसको आप लोगों ने सीमित कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पुनर्संघर्ष करके इस देश के महिलाओं को, इस देश के शूद्र अति शूद्रों को दोबारा राइट्स दिलाए। क्योंकि दोस्तों मनुस्मृति जब लागू हुई तब मनुस्मृति में स्त्रियों को पढ़ाई का अधिकार नकारा गया था, शूद्रों को अधिकार नकारा गया था, तो शूद्र और स्त्री इनके साथ अन्याय अत्याचार मनुस्मृति में लिखा गया है और उसी तरह से फॉलो भी हो रहा था और ब्राह्मणों के प्रभाव में आके अंग्रेजों ने भी इसको लागू कर दिया था। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वजह से स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वजह से शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और उनके पहले जो लोग पढ़े हैं मतलब महात्मा ज्योतिबा फूले या बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिताजी, वो क्यों पढ़ पाए? तो यहाँ पर 1818 में महारों ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर अंग्रेजों ने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे ओपन किए थे, तब जाके अंग्रेजों ने हमारे लिए जॉब्स के दरवाजे ओपन किए थे। इस बात को आपको समझना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।